नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद है हथीन विधानसभा के स्वामिका गांव में। आइए हम यहाँ के डिपो होल्डर से बात करते हैं कि कौन से कार्ड पर कितना राशन वितरित कर रहे हैं। सबसे पहला स्वागत है आपका। आप विस्तार से बताइए हमें कि डिपो किसके नाम पर है और कौन से कार्ड पर कितना राशन आप बांट रहे हैं। डिपो जी मोनू के नाम से, भाई है चाचा का लड़का, वितरित मैं करता हूँ। अनिल मेरा नाम है और सरकार फिलहाल बाजरा और गेहूं, एक पीएम वाला गेहूं, डबल गेहूं और बाजरा भेज रही है। बीपीएल पर फिलहाल पिछले महीने चीनी और गेहूं बाजरा ये चीज़ भेजी है। कितने कार्ड हैं आपके पास? मेरे पास जी लगभग 140 के इर्द गिर्द, 130-140 के बीच में जी। सरकार ने अभी तेल बंद कर दिया है तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सरकार ने जी तेल बंद कर दिया, हमको हिदायत दी है कि भाई बीपीएल कार्ड धारकों के 250 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे तेल। कभी ऐसा हुआ है कोई कार्ड धारक बिना मास्क आए आप उसको राशन देते हो? अगर बगैर मास्क कराता तो उसे राशन नहीं देते जी। और क्या क्या मैं उससे कहते हैं भाई मास्क लगा करो और उसका पालन करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राशन पीछे से कम आया और आपको ज़्यादा बांटना हो? ना जी ना, पूरा हमारा राशन आया और पूरा आता और सबको हम पूरा देते हैं। कार्ड धारकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? कार्ड धारकों से ही अपील है जी, गलत हो तो खुल के खूब हमारी वो करें, कोई गलती करते हो तो हम, आज तक हमने ऐसी कोई गलती ना करी है। कार्ड धारक हमारे सग संतुष्ट हैं और सग हंसी खुशी आए महीना अपना राशन ले जाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय कार्ड धारक भी मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा। कौन सा राशन कार्ड है? कॉपिया। राशन टाइम पे मिलता है? हाँ, दो बार मिलता है। क्या मिलता है? गेहूँ। क्या नाम है आपका? पिस्ता। कौन सा राशन कार्ड है? जी अजय बोल रही का है। सोई राशन टाइम पे मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? गेहूँ बाजरो। कुछ अपील करना चाहेंगे? कहते मैं सुनूंगा। क्या नाम है आपका? अजीत है। कौन सा राशन कार्ड है? क्या क्या राशन मिलता है? गेहूँ और बाजरा। सरकार ने तेल बंद कर दिया है अभी तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? राशन का। जी क्या नाम है आपका? मुकेश जी। कौन सा राशन कार्ड है? OPH। क्या क्या राशन मिलता है? गेहूँ और बाजरा मिलता है जी। टाइम पे मिलता है? हाँ जी, समय पर मिल रहा है। सरकार ने तेल बंद कर दिया है अभी तो उस पर कुछ बोलना चाहोगे? उस पर सरकार कोई ना कोई वो निकाल लेगी अपना। आप सभी ने विस्तार से सुना, डिपो होल्डर ने बताया और यहाँ के स्थानीय कार्ड धारकों ने भी कि किस तरीके से राशन वितरित किया जा रहा है। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे या कोई भी समस्या हो क्षेत्र से, नगर परिषद, वार्ड से, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।